Hi friends, today we are starting class 7 integers exercise number 4. Question number 1. We are taking here first question. Evaluate each of the following. A. Minus 30 divided by 10. A. Minus 30 divided by 10. Here 0, 0 cancel. Easy method. 0, 0 cancel. Minus 1, minus 3 by 1. It is minus 3. B. 50 divided by minus 5. 5 on the 5. 0 as it is. That means 10. Minus 10. To C, minus 36 divided by minus 9. Minus, minus can, minus into minus, as it is same formula here also, division. Minus divided by minus plus, that means 9 ones are 9, 4s are. Answer is 4. D, minus 49 plus 49. Minus in divided by plus minus minus 1. E. E different have here, 3 digits having. 13 divided by bracket minus 2 plus 1. Writing 13 divided by minus 2 plus 1 minus 1. Is equal to minus 13. Answer minus F 0 divided by minus 12. Answer 0. Simple. G minus 31 divided by minus 30. Again divided by minus 1. Answer is equal to minus 31 divided by here what coming? Plus 30. Minus minus cancel. Minus 31 plus 30. इजी सॉल्यूशन रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन को लीजिए. वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए बाय बी प्लस ए बाय सी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इक्वल नहीं होता ए बाय बी के और प्लस ए बाय सी के. ठीक है, तो यहाँ पर एक हम इसे लेफ्ट हैंड साइड समझेंगे और ये राइट हैंड साइड इस तरह से लेकर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमें फर्स्ट वन लेंगे. फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन मतलब ए. यहाँ पर वैल्यूज़ दिया गया है, इस वैल्यूज़ को लेकर हमें ये जो दिया गया है ए बाय बी प्लस सी, और इसमें हमें वैल्यूज़ को डालना होगा और फिर कंपेयर करना होगा, चेक करना होगा कि आंसर क्या होता है. ठीक है, तो ए की वैल्यू दिया है 12, B इज इक्वल टू माइनस 4, उसी तरह से C इज इक्वल टू 12. ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट में A बाय B प्लस C. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे. इज इक्वल टू A यानी 12, 12 डिवाइड बाय B माइनस 4 है और C 2 है. ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 2, ये होता है माइनस 2, और यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 12 बाय 2 को. तो 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12. ठीक है, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट लेता हूँ. ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 बाय माइनस 2. अब लीजिए, तो 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, तो यहाँ पर क्या आ गया? 6 बाय माइनस 1. 6 बाय माइनस 1 का आंसर है माइनस 6. ठीक है,
उसी तरह से आप राइट हैंड साइड को लेंगे, इधर ही करता हूँ मैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस ए बाय सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू ए बाय बी, यहाँ पर मिस हो गया, अक्सर गलतियाँ होती हैं। ओके, तो ए की वैल्यू 12 है, तो ठीक है रिप्लेस कीजिए, तो 12 डिवाइडेड बाय बी जो के माइनस 4, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू को हमें ऐड करना होगा ए बाय सी में, और ए की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय सी यानी 2, ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 बाय माइनस 4, 12 बाय माइनस 4 कीजिए, यहाँ पर 12 डिवाइड बाय, डिटेल में जाता हूँ मैं ताकि आराम से समझ में आ जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे, और यहाँ पर 12 बाय 2, ठीक है, इसको कैंसिल करने पर 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़रा 12, 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट पे चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पर 3 बाय माइनस 1 इसका मतलब है माइनस 3, और प्लस 6 बाय 1 का मतलब है 6, और यहाँ पर माइनस 3 प्लस 6 ये होता है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो था उसका आंसर हमें आ मिला माइनस 6 और राइट हैंड साइड 3, ठीक है, तो बिल्कुल भी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही वेरीफाई करना था, वेरीफाइड, ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन बी को देखेंगे, बी बी की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग दी गई है, तो बी में ए इज इक्वल टू माइनस 10 दिया गया है, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 10 डिवाइडेड बाय बी यानी 1 और सी यानी 1 इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10 इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो लीजिए राइट हैंड साइड को लेता हूँ मैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बाय बी, ए बाय बी प्लस ए बाय सी, और यहाँ पर वैल्यू है एक की वैल्यू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस 10 डिवाइड बाय सी यानी 1, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 10 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 10 ओनली, और यहाँ पर माइनस 10 बाय 1 ए बी माइनस 10, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लेना होगा क्योंकि एक बार हम दो वैल्यूज दो साइंस को नहीं ले सकते, यहाँ पर माइनस 10 और प्लस इंटू माइनस माइनस 10, अब देखिए यहाँ पर माइनस 10 और माइनस 10 ये होता है माइनस 20, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड था वो माइनस 5 आ गया, और जो राइट हैंड साइड है ये माइनस 20 आ गया, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है, दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर थर्ड वन फिल इन द ब्लैंक्स, ओके थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369, तो 369 में क्या चीज़ डिवाइड करने पर 369 आंसर आएगा, यहाँ पर 1, अगर 369 में अगर हम 1 से 369 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 369 ही आएगा, उसी तरह से -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -75 है, इसको अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 75, ठीक है। उसी तरह से सी देखिए यहाँ पर -206 डिवाइडेड बाय +1 है यहाँ पर, ठीक है, तो +1 रहने पर सेम वैल्यू को लेना पड़ेगा हमें -206, और डी देखिए -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू +87, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा। उसी तरह से ई डैश बाय 1 इज इक्वल टू -87, तो यहाँ पर क्या आएगा -87। उसी तरह से एफ
डैश बाय 48 इज इक्वल टू माइनस वन आंसर आ रहा है, और यहाँ पर डिवाइड 48 से हो रहा है तो आंसर कितने से क्या आएगा, यहाँ पर -48 आएगा, -48 बाय 48 अगर करते हैं तो 48 कैंसिल तो वन सा चला जाएगा, तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। उसी तरह से जी देखिए, यहाँ पर 20 बाय डैश इज इक्वल टू 2, आंसर -2 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस, और 10 ones are 10, 10 2s are 20, तो यहाँ पर -10 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर -2 है तो इसलिए -10 आएगा। और उस तरह से आखिरी लास्ट वन, एच डैश बाय 4 इज इक्वल टू -3, देखिए यहाँ पर 4 3s are 12, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस में आ रहा आंसर, तो -12, ठीक है, 4 3s are 12, तो -12 आएगा आंसर, ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए बाई बी इज इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 by -2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ पर हमें दो इंटीजर लेना है ए बी के तौर पर, और उसको डिवाइड करने पर आंसर -3 आना चाहिए, हम बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, 6 and -2, ओके, क्योंकि 6 by -2 करने पर आंसर -3 आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर एनी 5 कोई भी 5 को लेना है, तो फर्स्ट वन लेता हूँ मैं ए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लेता हूँ ओके 3 लेता हूँ, आंसर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। देखिए बस सेकेंड इंटीजर को ले लीजिए डायरेक्टली, अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर -3 आना था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट 3 ले लिया, कोई बात नहीं, तुम चाहे तो कोई और नंबर ले सकते हो, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, और माइनस है यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर -9, तो कौन सा आंसर यहाँ पर -9 3, आंसर कितना आता है -3 आता है, ओके। उसी तरह से बी इसको भी लीजिए, अब यहाँ पर मैं अगली बार 4 लेता हूँ, आंसर मुझे -3 आना चाहिए, अब लीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, तो -12 आएगा, ठीक है। उसी तरह से सी को देखिए, यहाँ पर अगली बार मैं 5 लेता हूँ, आंसर -3 आना चाहिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 ज़ा 15, माइनस में, तो -15, ओके। उसी तरह से डी, ओके, चौथा लीजिए, यहाँ पर 6 लेता हूँ मैं, 6 आंसर -3 आना चाहिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 6 3 ज़ा 18, तो -18, ठीक है। और एक आखिरी डी के बाद ये आता है, तो यहाँ पर 6 के बाद में मैं 7 लेता हूँ, आंसर -3 आना चाहिए, ठीक है, और 7 3 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 7 3 ज़ा 21, ये -21 हो गया, बस 5 था, ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं, ओके। कोई दूसरे भी तुम ले सकते हो, दूसरे लेकर भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पर दोपहर में नून मतलब 12 PM, ठीक है, तो 12 PM को टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव देन ज़ीरो, ठीक है, अबव देन ज़ीरो, यहाँ पर लिखेंगे अबव ज़ीरो, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आर अंटिल midnight, अब ये हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है, यहाँ पर लेंगे उसे डिक्रीजेस टू डिग्री सेल्सियस पर आर, ठीक है, अंटिल midnight, एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, तो इसका टाइम क्या होगा, इसको तुम्हें फाइंड करना होगा, ठीक है, जबकि वो टेम्परेचर कितना होता है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो होता है, बिलो ज़ीरो, ओके, और वाट वुड बी द टेम्परेचर एट midnight, और midnight में टेम्परेचर कितना था उसको भी तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको नंबर लाइन में लेना होगा, इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन में लेकर इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं ज़ीरो, फर्स्ट टर्म पर नून जो कि अबव ज़ीरो 10 डिग्री सेल्सियस
यहाँ पर इस तरह से लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पर ये 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर उससे बिलो ज़ीरो, देखिए यहाँ पर टाइम को फाइंड करना है जो कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से नीचे यहाँ पर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये होगा -1, -2, नंबर लाइन में माइनस ही आता है, बिलो ज़ीरो -4, -5, -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 PM को यानी नून को टेम्परेचर जो कि अब ये ठीक 12 बजे, ठीक है, 12 PM को टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अब हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 10 डिग्री था, 10 डिग्री सेल्सियस था, एक घंटे के बाद वो बन गया 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब यहाँ पर 11 PM हो गया, 11 PM, 11 नहीं, एक घंटे के बाद 1 PM होता, ठीक है, 1 PM, और फिर एक घंटे के बाद 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर टाइम बच गया 2 PM, फिर यहाँ पर 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM और ये 9 PM, ठीक है। यहाँ पर 9 PM, यहाँ तक हम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस तक ही लेना है हमें, कहाँ तक, 8 डिग्री सेल्सियस तक लेना है, ठीक है, तो बिलो ज़ीरो, तो टाइम कितना बजा, 9 PM, तो यहाँ पर लेना होगा एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो।